नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं विशाल अभिला यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज वीडियो में मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ ये आपको टाइटल और थंबनेल देख ही पता ही चल गया होगा। दोस्तों सब्जेक्ट रिलेटेड करियर में ये हमारे सीरीज का थर्ड वीडियो है और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ करियर इन बायोलॉजी के बारे में। एक्चुअली बायोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पसंद होता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ थ्योरी होती है या फिर ह्यूमन बॉडी के ऊपर रिसर्च होता है, तो बहुत सारे लोगों को ईजी भी जाता है, बहुत सारे लोगों को फेवरेट भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस सब्जेक्ट में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन हम इस सब्जेक्ट में कौन कौन से लेवल तक, कौन कौन से फील्ड में करियर बना सकते हैं या फिर इन सब्जेक्ट में हमारा स्कोप क्या है, यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है और फ्यूचर में इसके बारे में क्या स्कोप रहने वाला है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे लगभग हो गए अभी 55 वीडियोस और अब तक मेरे सब्सक्राइबर भी है 160। तो दोस्तों ये सब्सक्राइबर रैंक कोई थोड़ी नहीं है, लेकिन मुझे इसके भी आगे जाना है, तो इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हो सके मेरा वीडियो आपको लगे कि कुछ अच्छा है या फिर कुछ हो सकता है, लोगों को इसकी वीडियो से हेल्प हो सकती है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को या फिर कौन से भी वीडियो को शेयर करते रहिए अपने व्हाट्सएप पे, अपने ट्विटर पे या फिर आपके फेसबुक ग्रुप पे। इसके होता यही है कि दोस्तों मेरे चैनल पे ट्रैफिक आती है, ट्रैफिक आने से होता है कि ये चैनल जल्दी आगे बढ़ जाएगा, जितना आगे बढ़ जाएगा तो कुछ और नई चीज़ें मेरे जो दिमाग में है वो मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, दोस्तों बायोलॉजी 11th 12th में स्टूडेंट के पास आता है, लेकिन लगभग 5th या 6th स्टैंडर्ड में हमें साइंस सब्जेक्ट होता है, यानी हमें क्या बोलते हैं विज्ञान सब्जेक्ट होता है। तो उस सब्जेक्ट में होता है कि हमें कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे ह्यूमन बॉडी, हमें कौन से पार्ट्स होते हैं बॉडी में, यहाँ पे बॉडी के पार्ट्स कैसे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन 11th 12th में होता है कि यहाँ पे हमें डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यानी सेल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह इस सारी चीज़ों को हमें पढ़ाया जाता है। उसका ये होता है कि दोस्तों स्टूडेंट्स की कैटेगरी बन जाती है, यानी कुछ स्टूडेंट्स को बायोलॉजी बहुत पसंद आने लगता है, उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ में बायोलॉजी में करियर बनाना चाहता हूँ क्योंकि बायोलॉजी मुझे बहुत पसंद है, या फिर पीसीबी ग्रुप में मेरा करियर मुझे और आगे ले जाना है। तो दोस्तों अगर आप उस स्टूडेंट्स में हैं जिन्हें बायोलॉजी बहुत पसंद है, तो आपको करना सिर्फ ये है आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं भी बता देता हूँ। दोस्तों देखिए बायोलॉजी में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी फील्ड ये होती है कि दोस्तों आप 12th के बाद डॉक्टर बन सकते हैं। दोस्तों देखिए अगर आप डॉक्टर बन सकते हैं यानी आप मेडिकल को जा सकते हैं, तो यहाँ पे होता है ये दोस्तों कि मेडिकल में यानी आपको 5-6 साल तक बायोलॉजी पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बायोलॉजी से होता है कि आपकी जो फेवरेट सब्जेक्ट है बायोलॉजी उसके आप बहुत करीब आ जाते हैं, और ये बहुत अच्छी फील्ड है दोस्तों अगर आप बायोलॉजी में सचमुच इंटरेस्ट रखते हैं। दोस्तों देखिए अगर आप मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम IIT को जाएंगे या मैकेनिकल सिविल इंजीनियर होंगे, वैसे ही अगर आप बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेडिकल को जा सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। ये भी कोई कम चीज़ नहीं होती दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े कॉलेजेस हैं इंडिया में जो बहुत अच्छे मेडिकल स्टूडेंट्स बनाते हैं। दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है अगर आप बायोलॉजी में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। देखिए डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे सब फील्ड्स भी है, जैसे MBBS, MD और यहाँ पे BHMS, BAMS, बहुत सारे BDS भी है। तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है आप कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बायोलॉजी में सच में जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हैं और आप कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं तो आप MBBS जरूर कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मुझे बायोलॉजी पसंद है लेकिन इतना भी नहीं कि मुझे इसमें MBBS हो सकता हो, तो आप या BHMS, BAMS भी बन सकते हैं, या से भी आप खुद का हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं, उसके बाद आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको और अच्छी फील्ड मिल सकती है। तो इसके ऊपर स्कोप बहुत है, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना कमा सकते हैं उतना कमा सकते हैं या फिर फ्यूचर में आपका इतना स्कोप रहेगा। दोस्तों देखिए ये हर एक डॉक्टर के स्किल के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि डॉक्टर में बहुत डिफरेंस रहता है। कुछ डॉक्टर्स BAMS भी रहते हैं लेकिन उनके हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स MBBS भी रहते हैं लेकिन उनके हॉस्पिटल्स कम चलते हैं। यहाँ पे आपके डॉक्टर्स आपके स्किल्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ये तो हो गया मेडिकल फील्ड के बारे में। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए ओपन ये रहता है कि आप 12th के बाद
बीएससी इन बॉटनी या फिर बीएससी इन जूलॉजी या फिर बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, इन तीन सब्जेक्ट को जा सकते हैं दोस्तों। ये तीनों भी सब्जेक्ट बायोलॉजी से डिपेंड होता है, यानी आप बायोलॉजी के करियर में जाना चाहते हैं लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन सकते या फिर आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट नहीं है डॉक्टर बनने के लिए, तो आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। या फिर आपको सभी के माइक्रोब्स होते हैं उनका स्टडी किया जाता है, या फिर आप बीएससी जूलॉजी कर सकते हैं यहाँ पे सब एनिमल्स का स्टडी किया जाता है, या फिर आप बीएससी इन बॉटनी कर सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट्स का स्टडी किया जाता है। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपके क्या बोल सकते हैं करियर आप किस में आपका खुद का बनाना चाहते हैं इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कौन सी फील्ड में जाएंगे। तो ये तो हो गया बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी और बॉटनी के बारे में। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि 12th के बाद वो फार्मेसी को जा सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने आपको बोला भी था, पहले भी बोला था कि फार्मेसी में आपको बहुत अच्छा करियर बन सकता है। इस चैनल पे मैंने अब तक फार्मेसी के ऊपर बहुत सारे वीडियोज डाल चुका हूँ। दोस्तों देखिए, फार्मेसी में आपका करियर बहुत अच्छी लेवल तक जा सकता है, और मैं बोल सकता हूँ आपको कि बायोलॉजी में सर जो जनरल इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी फील्ड है। क्योंकि दोस्तों देखिए, फार्मेसी में बहुत सारी कॉम्बिनेशंस है, यहाँ पे केमिस्ट्री भी है बायोलॉजी भी है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बी फार्म कम्प्लीट करने के बाद आपका एम फार्म फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी फार्मेसी का बोल सकते हैं हम हार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे फार्माकोलॉजी में बहुत सारे इन्वेंशंस होते रहते हैं, बहुत सारी स्टडीज होती है, बहुत सारे जो हम ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च करना चाहते हैं वो सभी होता है। यानी एक मिनी डॉक्टर बोल सकते हैं आप, वो आपको फार्मेसी में बन सकते हैं। आप अगर आप मेडिकल को नहीं जा सकते तो आप बी फार्म को चूज कर सकते हैं, जाके आपको बायोलॉजी बहुत पसंद है। तो दोस्तों ये तो हो गया आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।